ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम हल करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखना आप खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, तो ज्यादातर नहीं बताऊंगा मैं खनिजों के बारे में, आपको 10% बताऊंगा, 10 में से राजस्थान के खनिजों का प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है आपको राजस्थान में सीसा और जस्ते की सबसे बड़ी खान, बड़ी खान यानी राजस्थान में शिष्य और जस्ते की सारण बड़ी खान कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा जावर, जावर आ रहेगी उदयपुर, याद रखना, याद रखना है। राजस्थान में शिष्य जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जावर, जावर ठहरेगी उदयपुर। सीसा, जस्ता, शोध संस्थान, तो सीसा जस्ता शोध संस्थान रहते देवारी, आ देवारी की कौन से जिला है? उदयपुर। बहुत अच्छे प्रश्न है, दोनों दोनों बहुत अच्छे प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, लिग्नाइट कोयले की प्रसिद्ध खान, लिग्नाइट कोयले की प्रसिद्ध खान पलाना है, पलाना कौन से जिले में? जो बीकानेर में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखो यानी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये, देखो कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया जाता है। सबसे पहले यानी कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो जैसलमेर। कौन से जिले में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो उत्तर करेगा आप बाड़मेर। क्या उत्तर कर दियो? बाड़मेर। अब मैं तारे पीछे बताए हो कि तेल रिफाइनरी पंचपदरा नामक स्थान पर है बाड़मेर जिले के अंदर, 2011 में लगी, याद रखिए। अब राजस्थान में शिष्य जस्ते की सबसे बड़ी खान जावर और राजस्थान में शिष्य धातु नगर कौन सा जिला कहलाता है? तो धातु नगर नागौर है। कौन सा? नागौर। धातु नगर कौन से जिले में काम आता? तो धातु नगर कौन सा है? संगमरमर पत्थर की अंतरराष्ट्रीय मंदिर, संगमरमर पत्थर की अंतरराष्ट्रीय मंदिर आ है सांगानेर में, कट है सांगानेर कट है जो जयपुर। संगमरमर पत्थर कौन से स्थान का प्रसिद्ध है? तो संगमरमर पत्थर है वो मकराना में प्रसिद्ध है, मकराना में नागौर में। रो फास्फेट की प्रसिद्ध खान आ रही झामर कोटड़ा यानी रो फास्फेट खनिज है, उनकी प्रसिद्ध खान है झामर कोटड़ा रहेगी उदयपुर में। कौन से जिले में? उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में शिष्य और जस्ते की सारण बड़ी खान है जावर उदयपुर में,
शीशा जस्ता सोध संस्थान में देवारी उदयपुर में लिखना है कोयले की प्रसिद्ध खान है पुराना बीकानेर में प्राकृतिक गैस का भंडार है जैसलमेर में तेल का भंडार है बाड़मेर में धातु नगर है नागौर संगमरमर पत्थर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी सांगानेर में संगमरमर पत्थर की को संगमरमर पत्थर कौन से स्थान का प्रसिद्ध है तो मकराने में है रोक फास्फेट की प्रसिद्ध खान कौन सी है तो जामर कोटड़ा कौन से जिले में उदयपुर के अंदर। अब एक प्रश्न और लिखा देता हूं आपको जामर कोटड़ा आ गया ये उदयपुर भी आ गया और आने वाले प्रश्न दो ये रहेंगे एक ये लिग्नाइट कोयले वाला अंतरराष्ट्रीय मंडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको परीक्षा की दृष्टि से मिल जाएंगे परीक्षा में डरने की कोई बात ही नहीं है आपको क्योंकि आपको करवा रहे हैं वो अच्छा करवा रहे हैं। सबसे अधिक खनिज कौन से जिले में है तो सामू ज्यादा खनिज है उदयपुर में है कौन से जिले में उदयपुर तो सबसे अधिक खनिज कौन से जिले में तो सामू ज्यादा खनिज उदयपुर में है। खनिजों संबंधित यह प्रश्न थे पढ़ के चले जाइयो खनिजों संबंधित थाने पर देख लेंगे जरूरत भी और पड़ेगी ठीक है। 10 प्रश्न करा दिए थाने खनिज खनिजा अब आगे चलना आप खनिजा में छोड़िए अगला है कोई भी चलना अब आगे देखो आप सही तो खनिजा तो आप पढ़ लियो अब लिखना रास्ते में सिंचाई तो अपन याद रखना है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई लेकिन सिंचाई राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन सा है साधनों में तो कुआ पे नलकूप होगा दोनों जुड़ के शाखा होगा कुआ नलकूप दोनों शाखा होगा कोई उत्तर होगा कई बार ए में कुआ देते बे में नलकूप देते से में तालाब देते दे में नदियां देते गलत होते हैं कुआ नलकूप दोनों जो शाखा उत्तर है कोई उत्तर है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों के द्वारा होती है तो कुआ और नलकूप के द्वारा होती है। आगे देखो खड़ी सिंचाई किन जिलों में होती है तो खड़ी सिंचाई दो ही जिला में होगा जैसलमेर और बाड़मेर जैसलमेर प्लस बाड़मेर खड़ी सिंचाई जैसलमेर और बाड़मेर दो ही जिला खड़ी सिंचाई यानी खड़ी सिंचाई कौन सी दो जिला होती है तो जैसलमेर और बाड़मेर नर्मदा नदी से किन दो जिलों में सिंचाई होती है तो नर्मदा नदी दो जिला में सिंचाई में बहुत बार प्रश्न आए तो एक बाड़मेर दूसरा है जालौर बाड़मेर प्लस है जालौर में जालौर बाड़मेर और जालौर में नर्मदा नदियों सानू ज्यादा सिंचाई प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों खड़ी सिंचाई। अब इसमें हम देखते हैं तो कई बार परीक्षा में जो प्रश्न भी आ जाए हाँ नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई नहरों सामू ज्यादा सिंचाई गंगानगर में होता है अपन पूछे सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होता है सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला तो सामू ज्यादा सिंचाई भी गंगानगर में होता है गंगानगर कौन भंडार है रास्ता तो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई और सर्वाधिक अब इसमें देखना आपा कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई
सर्वाधिक सिंचाई कौन सी नहर से होती है? नहर से होती है तो देखो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। अब एक बात याद रखना, इंदिरा गांधी नहर है वो पहले नाम राजस्थान नहर हो और 1984 नाम बदलती हो, वो बहुत बार आए थे परीक्षा सेकंड ग्रेड में भी आयो, फर्स्ट ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में भी, पहले पुलिस में भी आयो। कह राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? तो 1984 में इंदिरा गांधी नहर का योजना का कौन था कार, तो इनको योजना कार हो, इंदिरा गांधी नहर का योजना कार। इंदिरा गांधी नहर को योजना कार कंवर सेन हो, कंवर से इंदिरा गांधी नहर को सारणपुर जो को योजना कार हो, वो कंवर सेन हो। राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी पेयजल परियोजना परियोजना तो राजस्थान की जो सामने बड़ी पेयजल परियोजना है वह बिसलपुर, बिसलपुर आरे की टोंक में और आरे की बनास नदी के किनारे, तो राजस्थान की सामने बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर है। सर्वाधिक सिंचाई कुआं नलकूप से होती है, खड़ी सिंचाई जैसलमेर बाड़मेर में होती है, नर्मदा नदी से किन दो जिलों बाड़मेर जालौर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई इंदिरा गांधी नहर में होगी, इंदिरा गांधी नहर में योजना कार अमर सेन, वो निचोड़ है सर, यानी वो सबसे निचोड़ है। हाँ आज इसमें से उठेगा प्रश्न, इन्हीं में से उठेगा जी प्रश्न उठेगा अवश्य ही, तो डरने की कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो इनको सही हो जाएगा। आगे देखिए आप, राजस्थान में उद्योग, उद्योग तो सूती वस्त्र नगरी, सूती वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सूती वस्त्र नगरी है सही। रमकड़ा उद्योग कठक प्रसिद्ध है, तो गलियाकोट डूंगरपुर, कोट डूंगरपुर। दाऊदी गोहरा सांप्रदायिकता उस लगाव है स्थान पर, दाऊदी गोहरा संप्रदायिकता उस लगता है का उस, यानी दाऊदी गोहरा संप्रदायिकता उस लगे गलिया कोट डूंगरपुर। तो रमकड़ा उद्योग वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में, प्रथम कारखाना भीलवाड़ा के अंदर, यानी नाइट्रोजन पर आधारित यूरिया बनाने का कारखाना गड्डेपान में, गड्डेपान कोटा में। सल्फ्यूरिक अमल बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना सल्फ्यूरिक अमल बनाने का कारखाना कंपासन, कंपासन कहा है क्या चित्तौड़गढ़। तो यानी सूती वस्त्र भीलवाड़ा रमकड़ा उद्योग बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रमकड़ा उद्योग मिलेगा जी आपको, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा ये प्रश्न। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, यानी रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है।
अबे मामा चाना अगर बोलो चाना है मधे खाकी सो दो राव आ तो सर फिर हम एशिया की सबसे बड़ी बड़ी बाल बेयरिंग कंपनी कंपनी जयपुर में कठे हैं जयपुर ऐसे किसान में बड़ी बाल बेयरिंग कंपनी जयपुर में नाइट्रोजन आधारित यूरिया बनाने का कारखाना गड़ेपान कोटा में बहुत अच्छा प्रश्न है ये नाइट्रोजन पर आधारित यूरिया बनाने का प्रथम कारखाना गड़ेपान है कोटा पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी सामानेर में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी सामानेर है सामानेर जयपुर में यानी पन्ने की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वह जयपुर में वनस्पति घी का आ गया टायर ट्यूब बनाने का कारखाना ट्यूब बनाने का कारखाना तो टायर और ट्यूब बनाने के जो कारखाना है वो कांकरोली में कांकरोली कांकरोली पर रहेगी रासमंद में कांकरोली रासमंद में रहेगी टायर और टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली में है कांकरोली रासमंद के अंदर है। अब देखते हैं एक दो प्रश्न और आए हैं उद्योगों के बारे में वो भी मैं आपको करवा देता हूं। रंगना उद्योग आओ परीक्षा पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी आएगी परीक्षा नाइट्रोजन पर आधारित यूरिया बनाने का कारखाना वो परीक्षा है तीन चार प्रश्न आएगा परीक्षा में आप उनको अच्छी तरह से देख लेना। अब आगे चल रहा तो देखा आप 300-300 पार्ट वो है ये नंबर है जयपुर को प्रश्न अवश्य आओगे रेलवे बेगन बनाने का कारखाना बेगन बनाने का कारखाना भरतपुर में का कारखाना भरतपुर में यानी रेलवे बिगन बनाने का कारखाना है वो भरतपुर के अंदर नोटों की शाही बनाने का कारखाना बीमारी में अलवर के अंदर अलवर में बीमारी अलवर में नोटों की सही बनाने का कारखाना तो ये तो हुए उद्योगों के बारे में। अब आगे चलेंगे आप देखते हैं इसमें और कौन कौन से परिवहन यानी राजस्थान में परिवहन के साधन तो सबसे पहले देखना राजस्थान की दो स्थानों पर भूमिगत हवाई अड्डे हैं तो राजस्थान में दो स्थानों पर भूमिगत हवाई अड्डा है एक तो है सूरतगढ़ एक है बीकानेर प्लस सूरतगढ़ और बीकानेर में दो स्थानों पर भूमिगत हवाई अड्डा है राजस्थान में याद रखना। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में जयपुर के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में जयपुर में। अब बात अपन याद रखनी राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 ग्लास फैक्ट्री जोधपुर में है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर
आने वाला जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर एकमात्र जिला धौलपुर, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर एकमात्र जिला धौलपुर तो सामने नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगा में बैठो बीकानेर सूरतगढ़ में गोविंदगढ़ हवाई अड्डा है लास्ट फैक्ट्री धौलपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर आने वाला जिला कौन सा है? कौन सा? धौलपुर। आगे देखो राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है बाड़मेर। राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव, मुनाबाव कौन से जिले में रह गया? बाड़मेर में। तो राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है, मुनाबाव बाड़मेर में, ठीक है ना? हाँ। थार एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो मुनाबाव से ठोकराबाद, थार एक्सप्रेस का कौन घटते ही चलाई थी? तो बाड़मेर जिले में मुनाबाव नामक स्थान शुरू हुई, पाकिस्तान में खोखरा थार नामक स्थान तक चलाई थी। तो मुनाबाव टू खोखरा पार तक थार एक्सप्रेस शुरू हुई थी, यानी थार एक्सप्रेस शुरू हुई थी उसी तरह। आगे देखो कौन सा प्रश्न आने लायक है, आगे देखते हैं। रेलवे 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 तो है ही, तो कृषि रास्ता रास्ता का अनबंडा, अनबंडा राजस्थान में अन्न भंडार है ना वो गंगानगर, राजस्थान में अन्न भंडार गंगानगर, गंगानगर राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली वाली फसल बाजरा है, बाजरा राजस्थान में सामने ज्यादा बाजरा, बासमती चावल, चावल एकमात्र बूंदी जिले में होता है, बासमती चावल एकमात्र कौन से जिले में होता है? बूंदी के अंदर। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। और राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा है? गन्ना है। पान मेथी, पान में की प्रसिद्ध है लाल गोभी और लाल मिर्च, लाल मिर्च है ना ये मथानिया जोधपुर की, मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है लाल मिर्च। मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्र तबीजी में, तबीजी तबीजी रहेगी अजमेर। मसाला अनुसंधान केंद्र कपास पट्टी, कपास पट्टी का गंगानगर हनुमानगढ़ में प्लस हनुमानगढ़ आ दोनों जिला नापा के कहां कपास पट्टी का, तो कपास पट्टी का नाम गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिला प्रसिद्ध है। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले प्रसिद्ध है कपास पट्टी के नाम से। आगे देखो आप राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में, मात्रा में पाए जाने वाला पशुधन, पशुधन राजस्थान में सामान्य ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पशु बकरी, कौन सा
कौन सा? बकरी। ऊन अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ में, जोड़बीड़ रह गयो बीकानेर में, ठहरा गयो बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में रह गयो। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? बकरी। बकरी और ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये जोड़बीड़ बीकानेर में। वो प्रश्न आ गया, आएगा ये प्रश्न अच्छी तरह से। अवश्य आएगा ये प्रश्न। इसके बाद में ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पशुधन है वो राजस्थान में बकरी। भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, भेड़ ऊन प्रयोगशाला जयपुर में, आठ है जयपुर में। भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र जोधपुर, भेड़ ऊन प्रयोगशाला जयपुर, ऊन अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर में। भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में, अविका नगर टोंक में, यानी भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में है। बतख है चूजा केंद्र वो बांसवाड़ा में बतख चूजा केंद्र। बतख चूजा केंद्र ये कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा में। भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर, यानी भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर को आम प्रश्न आ जाए, ये भी जबसर महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो प्रश्न को आवे अच्छे अच्छे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्रश्न है। चोकला नस्ल की भेड़ भारतीय मेरिनो कहलाता है। चोकला नस्ल की भेड़ है वह भारतीय मेरिनो कहलाती है। क्या कहलाती है? भारतीय मेरिनो, यानी चोकला नस्ल की भेड़ भारतीय मेरिनो कहलाती है। इसके बाद में चलते हैं तो अविका योजना, योजना भेड़ पालकों से संबंधित है, भेड़ पालकों से संबंधित है अविका योजना। रायका रेवाड़ी ये एक जाति है, रायका रेवाड़ी ये एक जाति है। इसका प्रमुख व्यवसाय है ऊंटों का पालन पोषण करना, ऊंटों का पालन पोषण करना, यानी ऊंटा को पालन पोषण कराना। बजाति कौन सी होगी? रायका रेवाड़ी होगी। पतंग उत्सव जैसलमेर में, ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जा रहा, पतंग जैसलमेर में, ऊंट बीकानेर में, हाँ याद रखना, ढोल जालौर में, बम अलवर भरतपुर में, याद रखना। तो इन्हीं का भी प्रश्न परीक्षा में आएगा, इनमें से एक प्रश्न। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल, यानी सारम ज्यादा भैंस की नस्ल हो जाएगी मुर्रा, मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल क्या है? मुर्रा। थैंक्स, ये 60 प्रश्न हो गए आपके, अच्छी तरह से आप इनको पढ़ना और याद करके जाना आपको।